प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा को देखते हुए एवं आगामी जुमे की नमाज के बाद या बाद में किसी प्रकार का दंगा न होने पाए, इसी संबंध में ड्रोन कैमरे के सहयोग से निगरानी की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश में पिछले शुक्रवार को ही घटना को मद्देनजर रखते हुए तथा आगामी जुमे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम पर कोई घटना ना होने पाए, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद से 54 घरों को चिन्हित किया गया था। निगरानी के दौरान कुछ और घरों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर छत के ऊपर ईंट पत्थर इकट्ठा रखे हुए थे तथा दोबारा ड्रोन से निगरानी की गई कि ऊपर से पत्थर हटाए गए कि नहीं, तथा साथ ही नए घरों की भी निगरानी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, आपस में भेज दिया इसको, तुम ऊपर चले जाओ, पतंग भी उड़ा रहे हैं, आराम ही है, गाले थोड़ा इसको पीछे भेज लेंगे, पीछे भेज दो इसको, वे पॉइंट उसका उधर कर लो, एकदम बढ़िया क्लियर रूप दिखाया ये। इसको यूज नहीं करते इससे ज़्यादा, इसको यूज़ करने से उसका क्रैश होने का डर रहता है, ग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं इसका, इस बटन के लिए इसको ना, हाँ खुला ग्राउंड हो जैसे वो एन एस आई है, ये देखो ना आप इसमें ना देखना ऊपर देखते रहना, तुम कोई वो ना हम देख रहे थोड़ा राइट कर दो इसका, अरे इससे भी ज़्यादा क्लियरिटी होगा, अभी पास में जाएंगे ना, हाँ सर 10-8 है, तुम उसको देखते रहना, आसपास में दोनों लड़कों को बोल दो थोड़ा एल्टीट्यूड और बढ़ा दें क्या, ऑन कर दिए सर,
जनपद गोरखपुर में प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार की जुम्मे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए कुछ दिवस पहले ड्रोन उड़ाकर 54 ऐसे घर आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ से ईंट पत्थर घरों के ऊपर जमा थे। दोबारा ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उन घरों ने अपने छत पर जमा किए गए ईंट पत्थर हटाएं या नहीं हटाएं, उसको देखने एवं अन्य घरों पर भी सर्विलांस के लिए ड्रोन उड़ाया गया है एवं इंश्योर कर रहे हैं कि उन घरों में पर से ईंट पत्थर हटा दिया जाए। कुछ नए घर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं एवं पुराने घर जिन पर 54 नोटिस दिए गए थे उन पर से भी ईंट पत्थर हटाया गया, ऐसा प्रकाश में आया अभी तक।